इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एलपी और मैं आपके साथ राधा। से अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना के जो है मामले लगातार सामने आ रहे हैं और बुधवार को 7353 जांच में 126 नए पॉजिटिव मिले हैं। भोपाल में एक मौत हुई है, वहीं एक्टिव केसों की संख्या 550 तक पहुंच गई है। प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में संदिग्ध संक्रमित 26 मरीज भर्ती है, इनमें से 6 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। अब तक प्रदेश में 10,44,369 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, इनमें से 10,33,077 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण अब तक 10,742 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को 65 मरीज ठीक हुए हैं। अभी प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 550 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा इंदौर में 224 एक्टिव केस हैं। प्रदेश के 20 जिलों में संक्रमित मिले हैं, इनमें सबसे ज्यादा भोपाल में 42 और इंदौर में 41 मरीज मिले हैं। इसके अलावा बालाघाट में 1, बुरहानपुर में 2, दतिया में 1, डिंडोरी में 1, ग्वालियर में 6, हरदा में 1, होशंगाबाद में 1, जबलपुर में 8, कटनी में 3, खंडवा में 4, खरगोन में 1, मुरैना में 3, नरसिंहपुर में 3, रायसेन में 1, सागर में 1, सीहोर में 1, टीकमगढ़ में 3 और उज्जैन में 2 संक्रमित मिले हैं। ये था आप तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एलपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।